हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम कौन से 3 स्विंग ट्रेड स्टॉक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिनको कि आप अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में जो भी शेयर्स पर डिस्कशन होगा वो सिर्फ लर्निंग एंड प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए है। इन शेयर में बाइंग के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इन शेयर में बाइंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो था डिस्क्लेमर, अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आज का हमारा पहला स्विंग ट्रेड स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा पहला स्विंग ट्रेड स्टॉक है, उसका नाम है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड। इस शेयर में बाइंग कर सकते हैं अबव 168। इसके जो टारगेट आ सकते हैं इन फ्यूचर भी होंगे 176 एंड 186। स्टॉप लॉस आपको लगाना है जो कि होगा 8 रुपीज़ नीचे 160 के लेवल पर, और इस शेयर का होल्डिंग टाइम होगा 1 से 4 वीक का। चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड के चार्ट पे ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। फ्रेंड, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चार्ट में, ये शेयर अपने तीनों मूविंग एवरेजेस 50, 100 एंड 200 इनके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के सेशन में हमें जो क्लोजिंग मिली थी वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मिली थी। बात करते हैं फ्राइडे के दिन के वॉल्यूम के, तो फ्राइडे के दिन के जो वॉल्यूम थे वो इसके 20 डे के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा के थे। इस चार्ट में हमें एक फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है, इस पैटर्न का नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इस पैटर्न का ब्रेकआउट हमें आगे आने वाले 2 से 3 सेशन में देखने को मिल सकता है। तो अभी हमें इस शेयर को अपने वॉचलिस्ट में ऐड करना है। जैसे ही ये शेयर आगे आने वाले दिनों में इस पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है और 168 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तब इस शेयर में बाइंग के लिए सोच सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 176 एंड 186। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 160 के लेवल पे। तो ये तो था फ्रेंड इंडिया बुल रियल एस्टेट लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस। आपको इस शेयर को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड करना है और जैसे इसमें ये लेवल्स आते हैं तब आप इन्हें बाइंग के लिए सोच सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देख लेते हैं आज का हमारा दूसरा स्विंग ट्रेड स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा दूसरा स्विंग ट्रेड स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। इस शेयर में बाइंग कर सकते हैं एब 945। इसके जो टारगेट आ सकते हैं इन फ्यूचर वे होंगे 966, 985 एंड 1000 के। स्टॉप लॉस आपको लगाना है जो कि होगा 25 रुपीज़ नीचे 920 के लेवल पे, और इस शेयर का होल्डिंग टाइम होगा 1 से 4 वीक का। चलिए फ्रेंड, अब देख लेते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के चार्ट पे एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। फ्रेंड, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। ये शेयर भी अपने तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के सेशन में इसने अपने 50 EMA पे अच्छा सपोर्ट बनाया था और उसके बाद इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। बात करते हैं इस शेयर के सपोर्ट जोन की, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में हमने एक येलो कलर का जोन बनाया है, ये इस शेयर का सपोर्ट जोन है। इस जोन पर ये शेयर काफ़ी टाइम से सपोर्ट बना रहा है। बात करते हैं शेयर के कंसोलिडेशन की, तो पिछले 15 सेशन से ये शेयर एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। तो अभी हमें इस शेयर में वेट करना है। जैसे ही ये शेयर अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलता है और 945 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे देता है एंड नेक्स्ट डे इस क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन करता है, तब हम इसमें बाइंग के लिए जा सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 966, 985 एंड 1000। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 920 के लेवल पे, जो कि है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 3 रुपये नीचे। तो ठीक है फ्रेंड, तो ये तो था मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट एनालिसिस। अब बढ़ते हैं वीडियो में आकर देख लेते हैं आज का हमारा तीसरा और आखिरी स्विंग ट्रेड स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा तीसरा और आखिरी स्विंग ट्रेड स्टॉक है, उसका नाम है PM इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस शेयर में बाइंग कर सकते हैं अबव 1187.20। इसके जो टारगेट आ सकते हैं इन फ्यूचर भी होंगे 1224.40, 1244 एंड 1268। स्टॉप लॉस आपको लगाना है जो कि होगा 30 रुपीज़ नीचे 1157 के, और इस शेयर में होल्डिंग टाइम होगा 1 to 4 वीक का। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं PM इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चार्ट पे ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। फ्रेंड, PM इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चार्ट में, ये शेयर अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के सेशन में इसने इस 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग हमें दी है। साथ ही साथ बात करें 100 डे EMA की, तो 100 डे EMA के ऊपर भी ये ट्रेड कर रहा है। और अब आप देखिए इस शेयर में एक कंसोलिडेशन जोन हमने बनाया है। पिछले 10 सेशन से ये शेयर इस जोन के अंदर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ बात करें इस ट्रेंड लाइन की, ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पर ये शेयर सपोर्ट बना रहा है। पिछले 2 से 5 सेशन में इसने इस पर 2-3 बार सपोर्ट बनाया है और उसके बाद हमें अच्छी बाइंग देखने को मिलती है।
तो अभी हमें इस शेयर में वेट करना है। जैसे ये शेयर अपने इस पैटर्न जिसका कि नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसका ब्रेकआउट हमें 2 से 3 सेशन में दे देता है और इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर हमें एक क्लोजिंग मिल जाती है, तब हम इस शेयर में बाइंग के लिए जा सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1224, 1244 एंड 1268। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1157 के लेवल पे। तो ये तो था फ्रेंड फीएम इंडस्ट्री लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं इस वीडियो में हमने कौन से 3 स्विंग ट्रेड स्टॉक्स पे डिस्कशन किया है। आज का हमारा पहला स्विंग ट्रेड स्टॉक था इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड का। हमारा आज का दूसरा स्विंग ट्रेड स्टॉक था मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। और आज का हमारा तीसरा और आखिरी स्विंग ट्रेड स्टॉक था फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो ये तो थे फ्रेंड आज के हमारे 3 स्विंग ट्रेड स्टॉक। अब आपको इन 3 शेयर्स को अपने वॉचलिस्ट में ऐड करना है और इनको वॉच करते रहना है। जैसे ही इनमें ब्रेकआउट्स के लेवल आते हैं और ये शेयर सस्टेन करते हैं, तब आप इनमें बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।